साफ़ी मिक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, मोबाइल्स के वो सारिफीन जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के निस्बतन पुराने मॉडल इस्तेमाल कर रही हैं, के लिए साल 2021 का पहला दिन कैसे परेशानी का सबब बनेगा, आइए इस वीडियो में इस बारे जानने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 2021 से व्हाट्सएप का नया वर्जन रिलीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा वर्जन ख़ुद ब खुद मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो जाएगा। ताहम ये नया वर्जन उन मोबाइल सारिफीन के लिए परेशानी का सबब बनेगा जो iOS और एंड्रॉयड पर चलने वाले दूसरे पुराने मोबाइल सेट्स इस्तेमाल कर रही हैं। ताहम व्हाट्सएप का यह नया वर्जन सिर्फ आईफोन के वो मॉडल्स जो iOS 9 प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड के सिर्फ वो मॉडल जो 4.0.3 या इससे नया वर्जन पर चलते हैं पर काम करेगा। चूँकि आईफोन 4 और इससे पुराने मॉडल्स पर iOS 9 इंस्टॉल नहीं होता, इसलिए इन मॉडल्स पर व्हाट्सएप का ये नया वर्जन काम नहीं करेगा। जबकि आईफोन 4S, आईफोन 5, आईफोन 5S, आईफोन 6 और आईफोन 6X अगरचे iOS 9 के रिलीज से पहले मार्केट में आ चुके थे, ताहम इन मॉडल्स को iOS 9 तक रसाई हासिल हैं, तो इन मोबाइल के सारिफिन को अपने मोबाइल सेट अपडेट्स करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ एंड्रॉयड पर चलने वाले सैमसंग S2, LG ऑप्टिमस और HD डिज़ायर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन भी व्हाट्सएप के इस नए वर्जन के इस्तेमाल से महरूम होंगे। जो सारिफिन मंदरजेल सेट इस्तेमाल करते हैं, उनको iOS 9 या एंड्रॉयड 4.0.3 वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्पल आईफोन 4S, आईफोन 5, आईफोन 5S, आईफोन 6, आईफोन 6S, सैमसंग गैलेक्सी S3 और लेटर, सैमसंग गैलेक्सी नोट्स, HTC सेंसेशन, HTC थंडरबोल्ट, मोटरोला ड्राइड, सोनी एक्सपेरिया प्रो। और जो सारिफिन इन मॉडल से पुराने मॉडल इस्तेमाल कर रही हैं, उनको या तो व्हाट्सएप के साथ दोस्ती छोड़कर इसको हमेशा के लिए खैरबाद कहना पड़ेगा या फिर नए मॉडल का मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा। आखिर में याद दिला दूं कि अगर आप अभी तक साफ़ी मैक्स का सब्सक्राइबर नहीं हैं तो अब सब्सक्राइब कीजिएगा।